दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम लोग वर्तमान में जीते हैं और भूतकाल के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, हमें अपने वर्तमान से लेकर अपने बचपन तक का जितना भी समय हमने बिताया है, हमें सब कुछ याद रहता है। ज़्यादातर समय हमें याद ही रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भविष्य की बात करें कि कल हमारे साथ क्या होगा, परसों हमारे साथ क्या होगा, और अपने साथ ही नहीं किसी भी व्यक्ति के साथ आने वाले समय में क्या घटनाएं घटेंगी, अगर हम सोचें कि क्या हमें वो पता चल सकता है, क्या ऐसा संभव है, तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, इस एपिसोड में, कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है। दोस्तों, हमारा देश योग और ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे देश के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने कई पुराण लिखे हैं, जिनमें से एक पुराण है भविष्य पुराण। यह 18वां पुराण है और इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है। दोस्तों, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, वो भूतकाल बनकर हमारे जहन में रहती हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है, यह विभिन्न प्रकार के अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है और उन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य है भविष्य। भविष्य में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा? तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य के बारे में, आप अपने भविष्य के बारे में और किसी के भविष्य के बारे में भी अगर आप पता लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको शहजाद साधना के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, शहजाद साधना एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा अगर आप शहजाद को सिद्ध कर लें, तो आप अपने और किसी के भी बारे में, उसके वर्तमान, उसके भूतकाल और उसके भविष्य के बारे में आप कोई भी जानकारी आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये चैनल है महा इंद्रजाल, इसमें हम इसी तरह के दुर्लभ वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे आपको कई प्रकार की जानकारियां मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक अघोरी वाम मार्गी साधना है। दोस्तों, इस साधना को आप बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा, क्योंकि अगर आप इस साधना में थोड़ी सी भी चूक करते हैं, थोड़ी सी भी गलती करते हैं अथवा डरते हैं, तो दोस्तों आपको लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस साधना को करने से पहले आप अपने शरीर को क्लीन जरूर कर लें, और अच्छा रहेगा कि आप किसी योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक की देखरेख में इस साधना को करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये साधना कैसे की जाती है। दोस्तों, ये साधना 28 से 40 दिनों की है। इस साधना का नाम है शहजाद साधना। दोस्तों, अगर आप 40 दिन तक इस साधना को कर लेते हैं, तो शहजाद जी आपसे प्रसन्न होकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भी आप उनको बुलाएंगे, मन में याद करेंगे, तो वो हाजिर हो जाएंगे, और आप जिस किसी के भी बारे में उनसे पूछेंगे, तो वो कान में आकर आपको बता देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि शहजाद जी ने आपको कुछ बताया है, वो आपको बताकर चले जाएंगे, और वह जानकारी, चाहे वो भूतकाल की हो, चाहे वर्तमान की हो, और चाहे भविष्य की हो, वो आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं, और आप बहुत ही नामी गिरामी ज्योतिष अथवा तांत्रिक बन सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सांप की बांबी होती है, अर्थात जहां पर सांप रहते हैं, आपको वहां की मिट्टी लेकर आनी है। दोस्तों, ध्यान रखना है, सांप अपनी बांबी कभी खुद नहीं बनाता है, बल्कि
जो सींक के कीड़ों के द्वारा जो बांबी बनाई जाती है, सांप उस बांबी में ही रहता है। तो आपको वहां की मिट्टी लेकर आनी है, उस मिट्टी से आपको एक प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा बनाने के बाद दोस्तों आपको उस प्रतिमा में आपको शहजाद जी की कल्पना करनी है। दोस्तों आपको हम दिखा देते हैं, जो शहजाद जी होते हैं, आप इस तरीके से आकृति बना लें और आप मान लें कि ये शहजाद जी हैं। आप जब उसमें शहजाद की कल्पना करेंगे, शहजाद की कल्पना करने के बाद आपको शहजाद की छाती पर चित्र के अनुसार, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको इस तरीके से एक आपको मंत्र लिखना है। आप इस मंत्र को ध्यान से देखिएगा, इस मंत्र को आपको शहजाद जी की छाती पर लिखना है। और छाती पर मंत्र लिखने के बाद, उसके बाद आप शहजाद के आगे दीप जलाएं और दीप जलाने के बाद आप धूप बत्ती करें। ध्यान रखें, जो आप मंत्र बनाएंगे वो आप किसी कागज पर अथवा भोजपत्र पर बनाएंगे और उसके बाद उसे आप शहजाद की छाती पर प्रतिष्ठित कर देंगे। और जो दिया आप जलाएंगे, उस दिए में आपको चमेली का तेल डालना है। अगर चमेली का तेल उपलब्ध ना हो सके तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। छाती पर जो यंत्र होगा, उस यंत्र पर आपको सिंदूर का लेप करना है। इसके पश्चात आपको नहा धोकर स्नान करने के पश्चात आपको सफेद रंग के आपको वस्त्र पहनने के बाद आपको आसन पर बैठना है। दोस्तों ध्यान रखना है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वह स्थान बिल्कुल एकांत में होना चाहिए और वहां किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद शहजाद की मूर्ति के सामने बैठकर आपको 25 बार हकीक की माला से एक मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र हम आपको बता देते हैं। यह मंत्र है, आगम निगम की खबर लगावे सो अहम पार ब्रह्म को नमस्कार। और दोस्तों इस मंत्र को पढ़ने के बाद साधक को अपना नाम जरूर लेना है। दोस्तों यह एक शाबर मंत्र है और यह मंत्र देखने में जितने सरल होते हैं दोस्तों, उतने ही प्रभावशाली होते हैं। मंत्र को एक बार आप और सुन लें, आगम निगम की खबर लगावे सो अहम पार ब्रह्म को नमस्कार। दोस्तों यह मंत्र आपको 25 बार पढ़ना है हकीक की माला से। जब आप इस मंत्र को 25 बार पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है, आपकी जो साधना है वह रात को 11 बजे के बाद ही शुरू होनी चाहिए। और साधना इस प्रकार करनी है कि साधना करते हुए रात्रि का 12 बजे का जो समय है वो साधना के बीच में आए। अगर 25 माला करने में आपको 15 मिनट लगते हैं तो आप रात्रि को 11 बजकर 50 मिनट पर अथवा 55 मिनट पर साधना शुरू करें, ताकि रात्रि का जो 12 बजे का समय है वह साधना में जरूर आ जाए। यदि रात्रि का 12 बजे का समय साधना में नहीं आएगा तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रात्रि का 12 बजे का समय साधना में जरूर आना चाहिए। 28 से 40 दिन तक ये साधना करने पर शहजाद प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी छाया आपके सामने प्रकट हो जाएगी। दोस्तों उस समय आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि शहजाद आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप डरेंगे तो हाँ, आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। दोस्तों शहजाद जब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो वह आपकी नाभि से होकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पश्चात जब कभी भी आपको शहजाद से कुछ पूछना हो तो आप इसी मंत्र का, आगम निगम की खबर लगावे सो अहम पार ब्रह्म को नमस्कार, इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। जब आप 7 बार इस मंत्र का जाप करेंगे तो शहजाद जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वो किसी और को दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ आपको ही दिखाई देंगे। उसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ मन ही मन उनसे पूछेंगे तो वह आपके कानों में आपको उस व्यक्ति का वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, वह कहाँ से आया है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, वह किस लिए आपके पास आया है और उसके क्या क्या मनोरथ हैं, सब कुछ शहजाद जी आपके कान में आपको बता देंगे। जब वह जानकारी आप उस व्यक्ति को देंगे तो
तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा और वह आपको एक सिद्ध पुरुष मानेगा। इस प्रकार दोस्तों आप भौतिक ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और आप भौतिक ख्याति प्राप्त ज्योतिष बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी शहजाद साधना। उम्मीद करते हैं आपको ये साधना पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन मित्रों एक बार फिर हम आपको चेतावनी देते हैं कि जब भी आप कोई साधना करें, ऐसी साधनाएं जो आपको भविष्य में ले जाएं या भविष्य में ले जाने के बारे में जो आपको जानकारी देती हैं, दोस्तों इस तरह की जानकारी, इस तरह की साधनाओं में खतरा हमेशा रहता है। इस तरह की साधनाएं किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल को आप महेंद्र जाल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।